आज हम आपको फ्रूट सकिंग मौत, जो एक तरह का पतंगा होता है, उससे होने वाले नुकसान और कैसे इन पतंगों से अपनी फसल को बचाने का उपाय बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम फ्रूट सकिंग मौत क्या होता है और इसके विभिन्न प्रकारों से आपका एक संक्षिप्त परिचय कराते हैं। इन पतंगों की 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मादा पतंगा एक बार में 200 से 300 अंडे देती है, जो कि 8 से 10 दिनों में 50 से 60 मिलीमीटर लंबे इस प्रकार के कैटरपिलर बन जाते हैं। 1 से 1.5 महीने बाद यही कैटरपिलर पतंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पतंगे शाम सूरज ढलने के बाद से मध्य रात्रि तक सक्रिय रहते हैं। इनका प्रकोप वर्षा ऋतु के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा होता है। यह पतंगे पकते हुए फलों में अपनी नली डालकर रस चूस लेते हैं। पतंगा फल में जिस जगह छेद करता है, उस जगह से कुछ समय में फल खराब होना शुरू होता है और देखते ही देखते सड़कर गिर जाता है। इन पतंगों के प्रकोप से किसान भाइयों का हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। फलों को इन पतंगों से बचाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे रोज शाम को धुआं करना, इंसेक्ट लाइट ट्रैप में पतंगे आकर्षित करके पकड़ना, केमिकल स्प्रे करना इत्यादि। परंतु यह सब उपाय पूरी तरह से सफल साबित नहीं होते। आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना यूवी गार्ड क्रॉप प्रोटेक्शन कवर पतंगों से बचाने में 100% सफल साबित हुआ है। यूवी गार्ड क्रॉप प्रोटेक्शन कवर लगाने में पतंगा फल तक पहुंच ही नहीं पाता और फल सुरक्षित रहता है। यही नहीं, इसके कई और फायदे भी हैं, जैसे इसको लगाने से फलों का सूरज की कलिमा से भी बचाव होता है, जिससे फल दाग रहित रहता है। यूवी गार्ड क्रॉप प्रोटेक्शन कवर से फल वजनदार, खूबसूरत और एक समान रंग के तैयार होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके दूसरे किसान भाइयों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।